हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों बहुत जबरदस्त वाला एपिसोड था, मतलब मैं बहुत खुश हूं। मतलब पता चलता है ना आपको, जब कि कोई एक इंसान गलती से इस प्लेनेट पे आ गया है या गलती से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है और आपको जानने को मिलता है कि नहीं, यहां पर तो एक साइंटिस्ट भी है जिसने इसको ईजाद किया है, जिसने इसको बनाया है। सो आज बिग बॉस ने बुलाए थे लोगों को, उन लोगों को जो फैमिली मेंबर्स थे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के। तो फैमिली मेंबर जब सामने आए तो आए सुरभि राणा के भाई। प्रश्नों की जो प्रश्नावलियों को उन्होंने प्रस्तुत किया था और जिस तरह से उन्होंने विवरण किया था अपनी हर एक शब्दों का, और जिस तरह से उन्होंने एक कतार के अंदर एक प्रस्तारु रूप से प्रस्तार किया था अपने वाणी का, और जो उन्होंने ये हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने इजाद किया है सुरभि राणा को, जिस तरह से उन्होंने डिफाइन नहीं, जिस तरह से उन्होंने पक्षपात किया और कहा कि सुरभि राणा किस जगह से आती है और किस रूप से वो ऐसी बनी है। भाई दैट वाज अ वेरी 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 नास्टी, आई मस्ट से मैन, दिस फैमिली हैज सल्यूटेड। नहीं, मैं फैमिली पूरी को नहीं कहूंगा, बट भाइयों जिन दो लोगों से मिले उनको मेरी तरफ से भी नमस्ते है, बहुत बड़े वाला नमस्ते है। सुपर लोगो भाई, सुपर, मतलब क्या तो मोहब्बत भरा पक्षपात है यार। मतलब मुझे लग रहा था केवी की वाइफ की तरह, टीजे की तरह शायद मान लोगे कि हाँ ये गलती हो गई है, वो गलती हो गई। ना, गलती नहीं हुई है। जब मनुष्य युद्ध प्रारंभ करता है और युद्ध के अंदर जाता है तो युद्ध में होने वाले किसी भी तरह के, मतलब श्री कृष्ण भगवान ने कही थी बात भैया, उसके बाद में मैं सीधा इनके मुंह से सुन रहा हूं कि अगर आप युद्ध की भूमि के अंदर हैं तो आपके सामने वाला सिर्फ आपका शत्रु है, और भारत देश की जनता ये समझेगी कि सुरभि राणा किस षड्यंत्र को रच रही है, और खेल के अंदर साम नाम दंड भेद सब होते हैं। भाई मैं सच्ची में कह रहा हूं, सुरभि राणा की पूजा और आपकी पूजा दोनों की बनती है बाबा, माइंड ब्लोइंग मैन। एंड ही सेड कि मेरे द्वारा इजाद किया हुआ है सुरभि राणा को। सुपर मैन। नाउ कम टू श्रीसंत की वाइफ, यार क्या बात करती है वो, मतलब कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट तरीके से बहुत बढ़िया बात करती थी। मगर सलमान भाई ने भी हाथ जोड़े और कहा भाई भाई कौन कितने हैं घर के अंदर, ऐसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे किसी को। मतलब सुपर यार, जाते जाते भी उस आदमी ने यही कहा भारत देश की पूरी जनता समर्थन करेगी उसको। अब देख लो भाइयों किस किस को समर्थन कर रहे हैं सुरभि राणा को। सो टीजे ने अपनी ओपन लेटर फेम, टीजे सलमान खान ने बहुत अच्छा, मतलब सलमान सर ने बहुत अच्छा वाला शॉर्ट मारा उनको बोलने के लिए, और फाइनली टीजे आई थी और टीजे ने भी मानी बात कि वो महानता के चक्कर में मिसगाइडेड हो रहे हैं, गलत लोगों के साथ में कंपनी बना करके बैठे, मतलब गलत इन सेंस एक रॉन्ग कंपनी में जहां उनको होना चाहिए वहां पे नहीं है। एंड शी फील्ड इट, एंड फाइनली सलमान सर ने जाते जाते भी बोला कि आप अब कोई दूसरा ओपन लेटर वगैरह कुछ लिखने वाली है तो बोलते नहीं, आप कोई ओपन लेटर नहीं, बिकॉज शी ऑल्सो लॉस्ट द होप्स विद केवी के, अब केवी शो के अंदर मतलब वो टॉप टू और टॉप थ्री वाली रेस में तो नहीं होंगे बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। एंड आई मस्ट से केवी इज माय गुड फ्रेंड, बट ही लॉस्ट इन दिस शो बिकॉज ऑफ हिज महानता, और माइंड बी इज अ रियली अ जेन्युइन गाय, एंड ही इज कंफ्यूज्ड के करना क्या है करना क्या नहीं है, करना क्या है करना नहीं है से जसलीन और मेघा जी बाहर हो गई शो से अंदर। रोमिल के चेहरे पे एक सीरियसली वाला डर दिखा, और रोमिल जिस तरह से मतलब थैंक यू यस करते हुए देखिए, उससे लगा मतलब रोमिल आपको एक्चुअली ये वाला एक्ट करके दिखाना नहीं चाहिए था। मैं आपको समझाता हूं क्यों, डरना ठीक है मगर आप पब्लिक को साथ साथ में ये मत शो करवाओ ना कि आप इतना डरे हुए कि आप शो से बाहर हो सकते हो। एनीवेज बट दैट वाज गुड। और वहीं पर श्री साहब ने एक बहुत अच्छी चीज पूछी कि या भैया टू गेट सिक्स है या फिर थ्री गेट फाइव है आई, तो रोमिल ने कहा मैं समझा नहीं, जबकि रोमिल बहुत जल्दी समझ जाता है। तो रोमिल कैसे हाँ बोले, क्योंकि भी दो मिनट पहले तो सुरभि को गले मिला था और दीपक से भी उसकी वापस ट्यूनिंग हो गई, तो दैट्स व्हाई अगेन सेड कि आई वांट टू आस्क यू के वी आर टू और वी आर थ्री, सो वी आर थ्री गेट फाइव और टू गेट सिक्स। सो ही सेड भाई आप बिल्कुल चिंता ना लो भाई, आप बिल्कुल चिंता ना लो भाई, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, भाई ऐसा है कि मैं तो खुद एक आदमी आने वाला हूं, फोर बाई फोर हो जाएगा। बट ही वॉज नॉट क्वाइट कॉन्फिडेंट, और बहुत सही तरीके से नहीं बोला उसने, एक और चीज बोली, हो सकता है मैं एक और बंदा यहाँ पे ले आऊँ और हम चार लोगों की टीम बन, मतलब एक टीम और बन जाए। सो भैया टीम और बन सकती है लेकिन एनीवेज रोमिल ज्यादा कंफर्टेबल वही महसूस करेगा जहां उसकी देश भाषा और तरीके से बात करने वाले लोग होंगे,
और उन्हीं से उनको कंफर्टेबल मिलेगा। और अब आते हैं इसके बाद में दोस्तों कुछ चीजें हुई जिसके अंदर हथकड़ियां पहनाई जा रही थी। रोमेल और सुरभि को साथ में रखा गया पर कंटेंट दे नहीं पाया वो लोग, और ना उनको शायद दिखाया गया कि उन्होंने बेसिकली किया। एपिसोड में इतना पंप नहीं था, ये श्रीका भाई और सुरभि की ब्रदर और टीजे और श्री की वाइफ की वजह से थोड़ा सा। श्री की वाइफ से एक बात याद है यार, श्री की बेटी कितनी खूबसूरत थी, गोलू वोलू चिक्स वाली, बहुत 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 खूबसूरत बच्ची थी। यस आई वांट टू मीट एवरीबॉडी, दीपिका जी सुपर। सो ब्रो इसके बाद में हम लोगों को दिखाया गया कि रोमिल से टीम वाली बात हो गई, रोमिल अंदर गया, बाद में वो गाना गाते हुए दिखा रहे थे दीपक को दूर से, और रोमिल ने ट्राई की, रोमिल ने कहा अगर तुम चाहो तो तुम इसके साथ में हो सकती हो सोमी को, और अगर तुम कुछ प्लान करती हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा अगर तुम इसके साथ में होने की कोशिश करती हो तो। बट सोमी उस जोनर में ही नहीं है बिकॉज उसको जाना है, दो तीन वीक की बात है, तो अब ये बन के भी करेगा क्या। बट दीपक बहुत ट्रमेंडस वॉइस के अंदर गाना गाते हुए दिख रहे थे, मजा आ रहा था उसको देख करके। रोहित और सुरभि को तो भैया डांट दिए हैं बिग बॉस, और कहे हैं कि कोई कुछ नहीं करेंगे भैया, बदतमीजी नहीं करनी है, फिर कंटेंट कैसे दिया जाएगा बिग बॉस जी, अगर आप मना ही कर दोगे कि कुछ नहीं करना है तो बच्चे कंटेंट कैसे देंगे आपको, इंटरटेनमेंट कैसे देंगे, इनको आता ही यही है ना, इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। सो तो शो शुरू हुआ था, सलमान सर के पास सबसे पहले आए रितेश देशमुख, और रितेश देशमुख ने बड़ी मस्तियां दमाजनों में की, और सलमान सर नाम भूल गए थे तो सलमान सर ने उस नाम को लेकर के बहुत सारी मस्ती की थी, ओप्पो वाले फोन की तो वो करते ही हैं, और कवर बहुत तरीके से कर लेते हैं, भूल गए समझ में नहीं आ रहा लोगों को। एनीवेज इसके बाद में जब रितेश अंदर गए, रितेश ने अंदर जाने के बाद में केवी को चक्की की सजा मिली, चाची का क्लियर क्लियर, पर पता नहीं क्या हो गया केवी को कि दीपक मुंह पे चाची कह रहा है पर उनको बुराई भी लगा, वो इस बारे में कुछ डिफाइन नहीं करना चाहते। तो एनीवेज वो वाली बात हुई, उसको चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग वाला काम मिल गया, एंड देन सुरभि राणा और रोमिल को उन लोगों ने साथ में बांध दिया। अखाड़ा इसके बाद में आया, अखाड़ा जिसके अंदर गई जसलीन और सोमी, मेघा धांधे ने दोनों नाम लिए थे, और सलमान साहब ने कहा बढ़िया है, पीछे क्रिएटिव है, डालो किसी को भी डालो, काम करो, बड़ा सीन दो। तो वहां तक तो शो में कुछ दम नहीं मिला, और फिर जसलीन और वो जब अंदर गई तो जिस तरह से सुरभि बात करती, सोमी बात करती है उस तरह सोमी ने बात की, जिस तरह जसलीन बोल सकती है उस तरह जसलीन ने बोला, और रोमिल को बकायदा बीच में इसलिए खड़ा किया था ये देख ले किसकी तरफ जाएगा तू, तब तक डिसाइडेड नहीं था कौन निकलने वाला। वकील साहब ने दोनों तरफ एक एक पॉइंट लिया, और एक पॉइंट स्पेशली वकील साहब ने अपनी तरफ से रखा सोमी के लिए, बिकॉज वकील साहब ने इस बीच में हिसाब लगा लिया था भैया कौन घर से जा सकता है कौन रुक सकता है, तो इसीलिए मैं रहूंगा, तो अपन सोमी की तरफ रह लेते हैं, सोमी की साइड रहे वो, और सोमी को एक सेफर साइड मिल गया कि बाहर आके लड़ने का मौका नहीं मिला उनको। चल फिर दंगल का जब ताकत लगाने वाला मौका आया, तो ताकत में हमको पता था भैया जसलीन ने तो खा पी करके बिग बॉस के घर में ही ताकत बनाई है, तो फिर रिटर्न करने का मौका पहली बार तो दिया बिग बॉस भैया, क्यों ना चुका के दिखाएंगी, तुम्हारे घर से ही तैयार किया पट्टा है। सो वो बहुत अच्छा सीन था, जसलीन फाइनली बाहर हो गई, मेघा जी बाहर हो गई, रोमिल के सामने तो पॉश्योर इन दोनों को बाहर होना ही था। फिर दोस्तों एक बार हम बात करते हैं सुरभि के भाई के लिए, करे क्या करे सुरभि का भाई यार, मतलब लिटरली सलमान सर ने एक चीज बोली कि आप तो फिर दिन में एक ही पेशेंट देख पाते हो जिस तरह बात करते हो, या सारा घर ही ऐसे बात करता है आपका। अमर से मैन कौन है भाई, क्या है भाई, मुझे तो खुद को डर लग रहा है लिटरली कह रहा हूं कि इस तरह के बिहेवियर से तो किसी भी आदमी को ये लगेगा कि ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। और एक और चीज बहुत अच्छी लगी दोस्तों, जब केवी को हथकड़ियां बांध दी गई, सॉरी केवी को जब सजा मिली और केवी को कहा गया कि आप चक्की पीसोगे, उससे जस्ट पहले रितेश ने रोमिल से पूछा, रितेश देशमुख ने रोमिल से पूछा कि क्या रीजन है, मतलब आपको क्या लगता है कि इनको क्यों अंदर डाला जा रहा है, और मतलब क्यों इन पे इल्जाम लगाया जा रहा है, तो बोलता है सर इनको चाची इसलिए बोला जा रहा बिकॉज ऑफ ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्या साला बोला, ये साला बोला दैट वाज वेरी नाइस यार, केवी करता है एक्चुअली ऐसे, ये बहुत बहुत जबरदस्त वाला मतलब रिएक्शन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सोचो यार ऐसे कौन कौन क्या क्या नाम लेकर के जाएगा, और केवी भैया ऐसे चाची सुन के जाएंगे यार, मतलब आप चाची महानता और कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस की देवी, मतलब आपको लोग क्या क्या बोल रहे हैं। उसके अलावा एक और एक्सपोजर हुआ वहां पे, चोर पे बात आई कि चोर कौन है किसको हिरासत में डाला जाए, तो चोर से लोगों ने रोहित के लिए कहा और सारे घर ने एग्री किया, फिर वो इतना सारा सामान लेकर के आया दोस्तों। और रितेश देशमुख ने एक और चीज कही, भैया इस घर में फिर मैं तो कभी चाय या कॉफी नहीं पी सकता, अगर जूते के डब्बे के जूते के अंदर अगर आप लोग
चीनी छुपा के रखती हूँ, ये भी बहुत जबरदस्त चीज थी दोस्तों। उस घर के अंदर चीजें छुपानी तो पड़ती है, पर भैया जूतों तक की नौबत आ जाए ऐसा हम पहली बार सुन रहे हैं। So that was all about today's episode and predicted contestant are went out from the house. और ये न्यूज एक्चुअली कल सब लोगों को पता चल गई थी, पर मुझे भी लेट नाइट पता चल गई थी, मगर एज एन रिव्यूअर इफ आई गॉट द न्यूज लेट नाइट, और मैं वो बात आपको बता दूं, मैं वैसे कलेक्ट करना नहीं चाहता आप लोगों से, आई जस्ट वॉन्ट कि वी विल मेंटेन द क्रिस्प ऑफ द शो। सो ज्यादा सोशल नेटवर्किंग पे, ज्यादा इधर उधर साइट्स पे जाकर के अगर आप लोग भी वो सब देख लेते हो जो रात को दोबारा देखने वाले हो तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा दोस्तों। थोड़ा सा कनेक्ट, और बहुत सारी चीजें हैं इधर उधर एक्सप्लोर करने की, उन पे रहो। कि मैं देखो, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि पूरे दिन में कहीं पर भी किसी भी साइट पे जाकर कुछ नहीं देखूं, मेरे लिए कोई अच्छा बुरा बोल रहा है वो भी ना देखूं और किसी भी चीज को नहीं देखूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंजॉय द प्रॉपर शो एंड आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स। लाइक मजा आ रहा है ना यार, सोशल नेटवर्किंग तो पता रही है, बट आप सोचो सलमान खान भी जिस चीज को उसी दिन देख करके रिवील करना चाह रहे हैं, हल्के-फुल्के लीकेजेस आए थे, लोग देख लेते हैं। That's all upon you. आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, एक दिन करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। Till then, take care, love you, bye bye, मैं मनु पंजाबी, और हमने दोस्तों 3 कॉलर से आज बात की थी, बाकी के 2 से हम कल कर लेंगे, और जब भी मैं एपिसोड डालूंगा आप लोगों को बता दूंगा, आपका प्यार मेरे साथ है मैं जानता हूं, देना ही पड़ेगा क्योंकि हम भी आपको प्यार करते हैं। चंदन चेक किया, लव यू बाबा, मैं मनु पंजाबी आपका दोस्त, आपका होस्ट, इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और अपनी अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करो, और हो सके तो कमेंट्स में अच्छा अच्छा लिखो, और ये जो नीचे अंगूठा करके जाता है ना भैया, उससे हम मिलना चाहता हूँ। वीडियो अपलोड करते हैं हम 10 मिनट का, और पता चलता है कि दूसरे मिनट में थम नीचे, कौनो पर्सनल दुश्मनी है भैया, हमको बताओ कौनो पर्सनल दुश्मनी है, तो हम भी चाहता हूँ तुमसे मिलना। Love you guys. Bye-bye. I'm Manu Punjabi. No filter talks.